अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब जवीरिया का। मालूम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मस्जिदुल हराम में और मुझे सिम परचेज़ करनी है। लास्ट टाइम मैंने एक मोबाइल नेटवर्क के हवाले से वीडियो बनाई थी, उनकी तमाम डिटेल्स दी थी, तो बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश थी अदर मोबाइल नेटवर्क्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके पैकेजेस की डिटेल्स हैं वो तमाम आप सबसे शेयर करूँ। तो यहाँ पर तीन मोबाइल नेटवर्क ऐसे हैं जो ज़ायरीन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें एक STC है मोबाइल है और ज़ैन नेटवर्क है। तो आज हम तीनों की फ्रेंचाइज को विजिट करते हैं, तमाम जो भी उनके पैकेजेस की डिटेल्स हैं वो लेते हैं और सिम किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ ऐसी है जो वो पूछते हैं, क्योंकि मुझे भी सिम लेनी है तो साथ में मैं भी परचेज़ करती हूँ। तो चले आज इस वीडियो में आपको मोबाइल नेटवर्क के हवाले से तमाम डिटेल्स देती हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन है 6 नंबर का वॉशरूम है, उसके पास दारुल तौहीद है। ये दारुल तौहीद के नीचे है आपके, एक तरफ अगर आप उस तरफ से आएंगे मक्का टावर की तरफ से तो पहले मक्का टावर होगा, फिर 6 नंबर का वॉशरूम होगा और फिर होगा ये दारुल तौहीद। दारुल तौहीद के नीचे तमाम फ्रेंचाइज बनी हुई है और साथ में सामने जो है वो है बाबे फहद, मलिक फहद गेट। आप उससे भी सीधा आएंगे, अगर आप मस्जिदुल हराम से निकल कर आएंगे तो आप बाबे फहद से आएंगे तो वहाँ पर आपको सामने दारुल तौहीद दिखेगा और दारुल तौहीद के जो नीचे है वो तमाम ये फ्रेंचाइज है। और अब चलते हैं और तमाम डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले है जी ये STC, आगे है मोबाइली और ज़ैन। सामने है ये मलिक फहद गेट और इस तरफ है ये दारुल तौहीद और दारुल तौहीद के नीचे है। ये है ज़ैन के पैकेजेस जो 4 वीक्स के हैं, प्राइसेस हैं 80 से स्टार्ट है, 10 GB, 20, 25, 25, 75 और अनलिमिटेड। ये ज़ैन का फ्रेंचाइज है। आप जी मोबाइल में चलते हैं। ये मोबाइल के हैं, वैलिडिटी 1 मंथ, 4 वीक्स, 1 मंथ। मोबाइली और ज़ैन को हमने विज़िट कर लिया है, अब चलते हैं STC की फ्रेंचाइज पर। मैंने सिम नहीं लिए, अगर STC का कोई पैकेज अच्छा होगा तो वही ले लेंगे, नहीं तो फिर ज़ैन की सिम ही लेंगे। हर बार मैंने ज़ैन की सिम ली है, लेकिन मैंने सुना है कि STC के जो सिग्नल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, तो चल कर देखते हैं। ये है 2 वीक्स की, ये 3 वीक्स की, ये 4 वीक्स की और ये है STC 3 वीक्स वाला, ठीक है। 70 हमें देना होगा जी पैसा की कॉपी। ये पैकेजेस हैं उनके, अच्छा ये लिखा हुआ है 70 रियाल बट विद टैक्स ये हो जाएगा 81 रियाल और इसी तरह सेम ये 35 का है विद टैक्स 41, ये 55 है विद टैक्स 63 और ये 100 है विद टैक्स 115 और ये नेटवर्क है STC। ये 1 रियाल है तो उन्होंने कहा कि 1 रियाल चेंज देते हैं। ये दिल्ली है जी सिम। तो जी इस तरह हमने सिम परचेज कर ली है।
और मुझे एसटीसी की एक बात बहुत अच्छी लगी, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 20-21 दिन के लिए भी आते हैं, तो 3 वीक्स की वैलिडिटी के साथ भी उनके पास सिम अवेलेबल है। इसका इंटरनेट पैकेज जो है वो 20 GB है। जितने भी पैकेजेस हैं उनकी तमाम डिटेल्स मैंने दे दी हैं, जो पैकेज आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो आप परचेज कर लीजिएगा। तीनों नेटवर्क में मैंने आज तक सिर्फ जैन ही यूज़ किए, फ़र्स्ट टाइम मैंने एसटीसी लिए, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि एसटीसी के जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, तो इस बार एसटीसी का एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे जैन के भी सिग्नल्स अच्छे ही होते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार यहाँ खैर सेहत ईमान तंदुरुस्ती और अपने प्यारों अपने माँ बाप के साथ आना नसीब करें। अल्लाह हाफिज़।